थैंक यू पापा ताई को ठीक करने के लिए और हमें ये घर दिलाने के लिए। थैंक यू। क्या इसका मतलब ये है कि वो लड़की अब इस घर में नहीं आएगी? नहीं, और उन्होंने खुद तय किया है कि ना तो वो इस घर में आएंगी ना ही सभी, और उन्हें मेरे और रीवा के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। गुड, वेरी गुड। वाह, क्या खबर सुनाई तूने, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चलो, इसका मतलब तो ये है कि अब तेरी और रीवा की शादी में कोई विघ्न नहीं होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं ना आज ही मंदिर में जाकर तुम दोनों के नाम की पूजा रखवाऊंगी और खूब सारा दान धर्म करूंगी। अरे पूजा तो रखवानी चाहिए। क्या कर रही है मेरी बेटी? मॉम, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ। आप मुझे ये बताओ कि मैं ये वाला पहनूं या मैं ये वाला पहनूं? ये वाला पहन ना, कितना सुंदर है और तेरी साड़ी के साथ मैच भी हो रहा है। हाँ, अब ये सब छोड़ो ना मॉम, आपको पता है I'm so 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 happy, मैं फाइनली ईशान के साथ ऑफिशियल डेट पे जा रही हूँ। कैन यू इमेजिन, सपने जैसा लग रहा है ना, सपना तो नहीं है ये। आओ, देखा सपना नहीं है। सपना तो नहीं है मॉम, आज ना मुझे बहुत अच्छा दिखना है, बहुत 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 अच्छा, बहुत अमेजिंग सा, बिल्कुल परफेक्ट। परफेक्ट तो तू पहले से है मेरी परी। पता है क्या, मेरी खुशी की वजह से ना आज तेरा चेहरा ग्लो कर रहा है। थैंक गॉड तेरी और शान की जिंदगी से वो सभी जा रही है। आराम से, मैं तो क्या रही। ठीक है, वही नहीं ये बनाया हमने ताई के लिए गर्मा गर्म कम मसाले वाला खाना, आप खा लीजिए। फिर आपको दवाई भी तो खानी है ना। और हाँ, अब ना थैंक यू कह के हमें पराया मत कर दीजिएगा। ताई प्लीज इन्हें थैंक यू मत बोलना, ये दोनों बहुत जल्दी बुरा मान जाते। अच्छा अच्छा, सभी सुनो, खाना खाकर तुम चाय की दुकान देख लेना।